न्यू स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे दिस दैट दिस दैट। हमने पहले पढ़ा था दिस किसके लिए लिखना है, पांच चीजें है उसके लिए दिस लिखना है और दैट किसके लिए लिखना है, जो चीजें दूर है उसके लिए दैट लिखना है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, दिस टी एच आई एस दिस इज ए लिफ्ट LEFT लिफ्ट, ठीक है। तो ये लिफ्ट कहाँ पे है, पास, ठीक है, कहाँ है, पास है। अभी दूसरा है यहाँ पे दैट, व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ दैट, व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ दैट, THET दैट, दैट इज ए ट्री, TREE। अभी ये ट्री दूर है, ठीक है। देखिए फिर से दिस THIS दिस आईएस इज ए LEFT लिव, ये लिव पास है, ये लाइन के पास है। THET दैट आईएस इज ए TREE। अभी ये लाइन ये वर्ड के बाद सही क्या, ये लाइन नो कहाँ है, दूर है। देखिए इससे यहाँ इतनी दूर ट्री है, तो क्या लिखना है इसके लिए, दैट दूर है, चीज कहाँ पे है, दूर है, तो क्या लिखना है, दैट। और ये चीज पास है तो क्या लिखना है, दिस। अभी समझ में आया। इसके बाद में नंबर थ्री, दिस इज ए कैट। अभी ये कैट कहाँ पे है, पास में है, क्योंकि इसको क्या है, दिस लिखा है, इसको क्या लिखा है, दिस लिखा है, ठीक है। अभी यहाँ पे फोर्थ नंबर में लिखना है THET दैट इज ए कैट। सपोज ये कैट लेंगे हम, ये पास वाले कैट है, अभी हम दूर वाले कैट लेंगे, ठीक है। ये पास कैट, कैट ये पास है, ये लाइन के पास है, तो क्या लिखा है, कैट, दिस इज ए कैट। और ये कैट है, दैट लिखा है, तो कैट कहाँ पे है, दूर है, दूर है कैट, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे, दैट। अभी समझ में आया, दूर वाली चीजों के लिए दैट और पास वाली चीजों के लिए दिस। दिस इज ए डस्टर, दिस इज ए चॉक, दिस इज ए बुक, ठीक है, ये मेरे पास, पर मेरे से दूर क्या है, वो विंडो, डोर, फैन, टेबल, तो उनके लिए क्या बोलना है, दैट इज ए फैन, दैट इज ए टेबल, दैट इज ए विंडो, दैट इज ए डोर, ये क्या है, दूर वाली चीजें है, उनके लिए क्या बोलना है, THET दैट। और पास वाली चीजों के लिए क्या बोलना है, THIS दिस, THIS दिस। स्टूडेंट्स आपको ये अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है और ये स्पेलिंग बाहर करना है, THIS दिस IS इज ए LEFT लिफ्ट यानी पत्ता, THET दैट IS इज ए TREE यानी पेड़, THIS दिस IS इज ए CAT कैट, THET दैट IS इज ए CAT कैट, ठीक है स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड, यू राइट डाउन इन योर नोटबुक, थैंक यू।